सी द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एंगल्स. अब एंगल्स के अकॉर्डिंग किस तरह से ट्रायंगल्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है. हमने थ्री टाइप्स पढ़ी ट्रायंगल की जो साइड के ऊपर बेस्ड थी, ठीक है, एक स्केलिन ट्रायंगल, एक आइसोसेलस और एक इक्विलेटरल. तो यहाँ पे हम एंगल्स की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगल्स. तो एंगल्स के ऊपर डिपेंड करता है कि ये एंगल की ये जो ट्रायंगल है ये किस टाइप का ट्रायंगल है. इट डिपेंड्स अपॉन द एंगल. बच्चे अगर एंगल एक्यूट है इस ट्रायंगल में, अगर एंगल एक्यूट है, एक्यूट यानी कि जो 90 डिग्री से छोटा होता है, फॉर एग्जांपल 89 डिग्री, 85, 80, 70, 60, 30, व्हाटएवर, 90 से छोटा होना चाहिए. अगर 90 से छोटा है इस ट्रायंगल में एंगल, सभी के सभी जो एंगल्स हैं वो 90 से छोटे हैं, तो उसको कहा जाता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. बच्चे जो 90 से छोटा हो एंगल उसको क्या कहा जाता है, एक्यूट एंगल. तो अगर ऐसा ही कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, बन रहा है आपके इस ट्रायंगल में, तो उसको कहा जाएगा एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल. ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं. अ ट्रायंगल हूज ऑल द एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल. तो यहाँ पे ऑल वर्ड लिखा है, यानी कि सभी के सभी जो एंगल्स हैं वो 90 डिग्री से छोटे होने चाहिए, तभी वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा. राइट, नाउ सी द नेक्स्ट वन, दिस इज द सेकंड वन. यहाँ पे बच्चे ये देखिए, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये तो हमें देखते ही पता चल रहा है दिस इज अ 90 डिग्री एंगल. तो अगर 90 डिग्री का है दैट मीन्स दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी एक ऐसी ट्रायंगल है जहां पे सिर्फ एक एंगल जो है वो आपको 90 डिग्री दिख जाए, 90 डिग्री का मिल जाए, तो वो कैसा ट्रायंगल होगा, वो होगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल. डेफिनेशन देखते हैं. अ ट्रायंगल हुज एनी वन एंगल इज ए एनी वन, यहाँ पे लिखा है एनी वन, कोई भी एक इज अ राइट एंगल. कोई भी एक एंगल राइट एंगल हो, डेट इज 90 डिग्री का हो, इज कॉल्ड ए राइट एंगल्ड ट्राइंगल. आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू. नाउ सी द थर्ड वन. यहाँ पे आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है, तो ये ट्राइंगल बच्चे देखते ही मुझे समझ में आ रहा है, इधर बेंट कर रहा है पीछे की तरफ, 90 से पीछे जा रहा है, तो ये ऑब्ट्यूस एंगल है. तो जो भी एंगल 90 से बड़ा होगा और ट्राइंगल में कोई भी 90 से बड़े एंगल बन रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल होगा. ठीक है, तो इसके डेफिनेशन पढ़ते हैं. अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, सभी एंगल्स नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एंगल, वन एंगल लिखा ना यहाँ पे, वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, कोई भी एक एंगल अगर ग्रेटर हो, 90 से बड़ा हो, ऑब्ट्यूस हो, तो वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल. ओके, तो हमने यहाँ पे सेकेंड कैटेगरी पढ़ ली है, एंगल्स क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द एंगल्स. ठीक है, तो एक हमारे पास है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, सेकेंड वन इज राइट एंगल ट्राइंगल, एंड थर्ड वन इज ऑप्ट्यूस एंगल ट्राइंगल. आई थिंक दिस मच इज क्लियर टू यू. नाउ सी द वर्कशीट फोर. वर्कशीट फोर का क्वेश्चन नंबर वन देखिए, और ये क्वेश्चन नंबर वन आपने बुक में ही करना है. आइडेंटिफाई द स्केल इन आइसोसेलस एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल. आपने आइडेंटिफाई करना है कि ये ट्रायंगल कौन से तरह का ट्रायंगल है, वेदर इट इज स्केलिन ट्रायंगल और इट इज आइसोसेलस और इट इज इक्विलेटरल. तो हमें डेफिनेशंस तो पता ही है कि कौन से ट्रायंगल जो हैं वो जिनके साइड्स इक्वल हो वो इक्विलेटरल होते हैं, जिनकी दो साइड्स इक्वल हो वो आइसोसेलस होते हैं, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो वो स्केलिन होते हैं. तो ये डेफिनेशन हमें क्लियर है. तो यहाँ पे हम ये पार्ट देखते हैं. 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे दो सेगमेंट ऐसी हैं जो बिल्कुल जिनकी लेंथ क्या है, सेम है, दिस इज 4 एंड दिस इज ऑल्सो 4. तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल है. ठीक है, दिस इज द आइसोसेलस ट्रायंगल. नाउ सी द बी पार्ट. 6.1, 6.1 एंड 6.1, सभी के सभी साइड्स क्या है इसकी, सेम है, 6.1 है, तो ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, दिस इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो यहां पे मैंने लिख दिया इक्विलेटरल. नाउ सी द सी पार्ट. 3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, इसकी कोई भी साइड क्या है, इक्वल नहीं है, इसीलिए इसको हम कहेंगे स्केलिन ट्रायंगल, स्केलिन ट्रायंगल. नाउ सी द डी पार्ट. 4.5, 4.5 एंड दिस इज 2.
दो साइड्स तो इसके इक्वल है, 4.5 और 4.5, सो वी कैन राइट दिस इज अ आइसोसेलस ट्रायंगल, दिस इज ए आइसोसेलस ट्रायंगल। ओके स्टूडेंट्स, ई पार्ट विल बी होमवर्क फॉर यू, इसको खुद से ट्राई कीजिए, इसको एनालाइज कीजिए कि किस तरह का एंगल बनता है ये।